लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं, तो वहीं अमरोहा गढ़ लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी सचिन चौधरी ने भी लोकल मुद्दों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया राष्ट्रीय पार्टियां घोषणा पत्र बनाती हैं जिनमें बड़े बड़े मुद्दे शामिल होते हैं, जिनमें स्थानीय मुद्दे जैसे सड़क, बिजली, पानी, वृद्धों की पेंशन आदि मूलभूत सुविधाएं जो होती है वह कहीं ना कहीं नजर नहीं आती है। मैं पिछले 2 साल से अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी गांव में घूमा हूं और नजदीक से उन गांव की परिस्थितियों को समझा हूं। इसलिए मैंने अपना घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें अमरोहागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने 17 समस्याएं देखकर उनको चिन्हित किया है, जिन पर अगर क्षेत्र की जनता मुझे चुनकर सांसद बनाती है तो मैं सबसे पहले इन पर काम करूंगा। इसमें कुछ मुद्दे इस प्रकार है। सुनील जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं, आज आपने आप संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो क्या क्या विशेषता है घोषणा पत्र में, क्या क्या आपने आपने मेंशन किया है, किन किन कामों का आपकी प्रायोरिटी होगी? देखिए, पार्टी तो घोषणा पत्र जारी करती ही है, लेकिन जो क्षेत्रीय लोग होते हैं उनकी समस्याओं को क्षेत्रीय नेता समझ सकता है, क्योंकि वो उनके बीच रहता है। पार्टी को तो बताना पड़ेगा कि ये काम की यहाँ पे जरूरत है, तभी तो पार्टी करवा पाएगी। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे घूम रहा हूँ, सब चीज़ देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे ज़रूरत है एक हॉस्पिटल की, ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत है, ज़रूरत है यहाँ पे अच्छी एजुकेशन की, एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, एक स्टेडियम की ज़रूरत है, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए बच्चे कहाँ कहाँ जाएँ, कहाँ खेलें, जो भाई जो आपके अंदर प्रतिभा तो है दिखाए कहाँ। हर विधानसभा में एक ग्राउंड की ज़रूरत है कि इवन बच्चे उठा के ग्राउंड पे आके खेलना शुरू करें। देखिए, कौन कब सचिन तेंदुलकर कहाँ से निकला है कुछ नहीं पता, लेकिन उसको स्पेस तो दें, कम से कम रास्ता तो दें उसे जाने का, और यही बेहतर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे कि चीज़ों को सबसे पहले ये देखा जाए कि दिक्कत कहाँ पे। आज की डेट में युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं कभी सोचा किसी ने? जब भी आदमी फ्री होगा तो उल्टे सीधे काम करेगा। भाई, युवाओं को स्पोर्ट्स में लगाओ, ग्राउंड होगा, स्टेडियम होगा तो बुजुर्ग भी टहलेंगे, उनका भी टाइम पास होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनसे जुड़ी हुई हैं। प्राइमरी जो है इंग्लिश मीडियम कराने की हमने जो बात बताया कि 5 गाँव हैं वो गोद लिए जाएंगे, पहली सरकार की तरह गोद नहीं लिए जाएंगे, वो अच्छे से लिए जाएंगे, जो गोद लिए जाएंगे वो शहरी बना देंगे उन्हें, मतलब वो जो गोद लेंगे गोद ही लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि खाली बोर्ड लगवा दिए उसमें सांसद जी की तरह, सांसद जी ने गाँव गोद लिया हुआ है उसमें कुछ काम ही नहीं हो। अपने सबसे बड़ी दिक्कत है एजुकेशन की, अगर आप अपने सिस्टम को चेंज करना, जिस तरह से एक मकान की नींव होती है, मजबूत अगर नींव होगी तो मकान बहुत दिन तक चलता है, तो एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देने के लिए 6% बजट रखा है एजुकेशन का हमारी सरकार ने, तो 6% जो है एजुकेशन में डाला जाएगा। सभी विधानसभाओं में एक बड़ा अस्पताल खोला जाएगा, जितनी भी हमारी लोकसभाएँ हैं उसमें अस्पताल खोला जाएगा, जिसमें जो दवाइयाँ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखी जाए। अमरोहा की पानी, जो भी जितना भी आपने देखा हुआ आजकल गांवों में पानी का बहुत प्रॉब्लम है, जो पानी भर जाता है, गारा हो जाता है, फिर वहाँ मच्छर पनपते हैं, निकासी नहीं है, पानी की निकासी को सुनिश्चित कराया जाएगा। क्षेत्र में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाया जाएगा, जो भी क्षेत्र है बेसिकली स्पोर्ट्स में हम बहुत पीछे हैं, जबकि हमारा जो ये वेस्टर्न यूपी है इस पार्ट्स में काफ़ी हम लोग मजबूत घरों से भी कुछ लोग रहते हैं और काफ़ी हष्टपुष्ट लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद भी स्पोर्ट्स में हमारा योगदान अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसका कारण है सुविधाओं का ना होना। एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनवाई जाएगी जिससे पूरा क्षेत्र वहाँ पे स्पोर्ट्स सीख सके।